दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सेमेस्टर वाइज वीडियो लेकर के आ रहा था, उसी कड़ी में यह अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये सेकंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर है, उसका जिसका नाम है बैटरी एवं सेल, उसका चौथा भाग है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने प्राइमरी सेल के बारे में बता दिया था, ये सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल कुछ कुछ जो उसके कई कुछ प्राइमरी सेलों के बारे में मैंने बताया था, इसमें हम सेकेंडरी सेल पर चर्चा करेंगे। देखिए, सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिन्हें स्टोरेज या एक्यूमुलेटर्स भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि एक्यूमुलेटर्स किसे कहते हैं, तो आप सेकेंडरी सेल को लिख देंगे, आप उसका टिक लगा देंगे, ठीक है, या स्टोरेज भी इसको कहा जाता है। सेकेंडरी सेल पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जब हम सेकेंडरी सेल को चार्ज करते हैं, सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल होता है दोस्तों, जिसको हम अपनी सुविधा अनुसार चार्ज कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार इसकी बिजली को हम उपयोग कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा हम इसके टर्मिनल पे हम कनेक्ट करते हैं, तो वह रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है, जो ये जो सेकेंडरी सेल होता है। बाद में हम आवश्यकता अनुसार, जैसी हमें जरूरत होती है, उसके अनुसार हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। मतलब एक बार हमने जब चार्ज कर लिया सेल को, उसके बाद हम कहीं पर भी, यह एक पोर्टेबल एनर्जी होती है, एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के हम इस एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। बाद में हम इसको आवश्यकता अनुसार जहां पर हम ले जाकर के, जहां पर भी हमें विद्युत की जरूरत होती है, वहां पर ले जाकर के हम इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। फिर जब हम इसके टर्मिनल पे हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, वो वापस विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और हम उस ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। यह सेल बार बार डिस्चार्ज व चार्ज किया जा सकता है। हम चाहे जितनी बार इस सेल को चार्ज करें और चाहे जितनी बार हम सेल को डिस्चार्ज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बार बार इसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्राइमरी सेल होता है, उसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, केवल हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। जब वो बनता है तभी वो एक बार चार्ज होता है, और उसके बाद हम सिर्फ उससे हम विद्युत ले सकते हैं, वापस उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस सेल को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और बार बार हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। या प्राइमरी सेल से ज्यादा करंट तथा करंट दे सकता है, प्राइमरी सेल से ज्यादा करंट दे सकता है और ज्यादा समय तक दे सकता है। जो हमारा प्राइमरी सेल होता है वह 1.5 वोल्ट देता है, ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है वो लगभग 2.2 वोल्ट तक देता है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज भी ज्यादा होती है और यह ज्यादा समय तक भी हमको विद्युत दे सकता है, क्योंकि इसका जो एएच होता है, इसमें जो एएच होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है इसमें एएच ज्यादा होता है। अगर आपको एएच पर एक स्पेशल वीडियो चाहिए दोस्तों कि एएच क्या होता है बैटरी में, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एएच पर एक विशिष्ट बढ़िया सी वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यह ज्यादा समय तक हम इससे बिजली को ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रयोग। इसका प्रयोग हम इमरजेंसी लाइट में करते हैं, गाड़ियों की लाइटों में, इन्वर्टर आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब जहां पर भी हमें बाद में और ज्यादा देर तक हमें बिजली की जरूरत होती है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं, जो हमारी सेकेंडरी सेल होता है। इसकी विशेषता यह होती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, बहुत ही कम होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध, और सेल की निपुणता अधिक होती है, ठीक है। इसकी इफिशियंसी भी बहुत अच्छी होती है। सेल का ईएमएफ स्थिर रहता है, मतलब इसका जो सेल का जो ईएमएफ होता है वो 2.2 से घट करके बहुत ज्यादा 2.1 वोल्ट या 2.0 वोल्ट तक ही जाता है। ये एकदम फिक्स रहता है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं आता है जो इसमें ईएमएफ होता है इसका। उसके बाद अगला है, सेल का जीवन काल लंबा होता है, क्योंकि इसका एएच ज्यादा होता है इसलिए इसका जीवन काल लंबा होता है, ज्यादा देर तक ये मतलब चलता रहता है, डिस्चार्ज बहुत देर बाद होता है, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी सेल की विशेषता। अगला पॉइंट है सेलों को जोड़ना, कैसे कैसे हम सेलों को जोड़ेंगे, श्रेणी में, समांतर में और
मिश्रित क्रम में। तीन प्रकार से हम चलों को जोड़ सकते हैं, जिसमें से ये कुछ फॉर्मूले हैं, आइए इनको देख लेते हैं। देखिए आई ये जो फॉर्मूला है हमारा, कुल विद्युत धारा को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले का आप उपयोग करोगे, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। इसमें हमारा जो एन है वो सेलों की संख्या है, ई जो है हमारा एक सेल का विद्युत वाहक बल जो कि वोल्ट में होगा, और ये एन जो है ये सेलों की संख्या है, और ये जो स्मॉल आर है वो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो कि ओम में होगा, प्लस कैपिटल आर जो हमारा कुल प्रतिरोध होगा टोटल, ठीक है, और इजा जो होगा हमारा वो ओम में होगा। अगला फॉर्मूला है यह जो है ईएमएफ, टोटल कुल ईएमएफ का होगा, इसमें ई टी इज इक्वल टू एन ई, ई टी हमारा जो है कुल विद्युत वाहक बल वोल्टेज में होगा, ये वोल्ट में होगा। एन ई इसमें एन जो होगा वो हमारा सेलों की संख्या, और कैपिटल ई यह होगा एक सेल का कुल विद्युत वाहक बल जो कि वोल्ट में होगा। यह जो होगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध का यह फॉर्मूला होगा आर टी, ठीक है, आर टी यह होगा कुल आंतरिक प्रतिरोध, हम ओम में निकालेंगे। एन जो है हमारा वो सेलों की संख्या, और स्मॉल आर ये जो होगा हमारा एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो कि ओम में होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब सेल को सीरीज में कैसे हम जोड़ेंगे, यहां पर एक देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में। देखिए ये हमारा एक सेल है, ये दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, ठीक है, इनको हम इस तरह से जोड़ देंगे, मतलब यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक सेल का पॉजिटिव, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, जो नेगेटिव होगा वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, फिर अगले उसी सेल का जो नेगेटिव होगा वो अगले सेल के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, फिर उसी सेल का नेगेटिव जो होगा वो अगले सेल के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ठीक है, और अगर इसको हमको और इसको हम किसी बल्ब से हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो इधर से ये नेगेटिव आ जाएगा और इधर से ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये बल्ब हमारा जल जाएगा, ठीक है, मतलब सीरीज क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर नेगेटिव से साथ पॉजिटिव जोड़ देंगे, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ देंगे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ देंगे, और लास्ट में हमारा नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव बचेगा, इनको हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा सीरीज बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा है वह है समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम में आइए देख लेते हैं। समांतर क्रम में क्या है कि कुल इसके कुछ फॉर्मूले हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। कुल विद्युत धारा, ठीक है, तो कुल विद्युत धारा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला जो होगा हमारा I इज इक्वल टू एन ई अपान स्मॉल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसमें I जो है हमारा वो कुल परिपथ विद्युत धारा होगा, ठीक है, N जो होगा हमारा वो सेलों की संख्या, कैपिटल ई एक सेल का विद्युत वाहक बल जो कि वोल्ट में होगा, स्मॉल आर जो होगा वो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो कि ओम में होगा, N ये जो N है वो सेलों की संख्या, कैपिटल R जो होगा वो लोड प्रतिरोध होगा जो कि ओम में होगा, ठीक है। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध जो है वो RT जो हमारा होगा वो आंतरिक प्रतिरोध जो कि ओम में, इसका हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके वैल्यू ओम में आएगी। तो स्मॉल आर जो है हमारा वो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो कि ओम में होगा, और एन जो है वो सेलों की संख्या है, और तीसरा फॉर्मूला है ईएमएफ ई टी हमारा एक विद्युत वाहक बल जो कुल विद्युत वाहक जो बल जो होगा वो कि वोल्ट में होगा, इजकल टू ई जो कैपिटल ई होगा वो एक सेल का विद्युत वाहक बल जो कि वोल्ट में होगा, जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा वही हमारा कुल विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। अब लास्ट है दोस्तों हमारा मिश्रित क्रम, ठीक है, अब एक मिनट इसको देख लेते हैं समांतर क्रम में हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए समांतर क्रम में यह देखिए एक सेल ये हमारा है, दूसरा सेल ये है, ठीक है, दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ये देखिए इनको ऐसे आप जोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा समांतर क्रम में जोड़ दिया हमने इस सेल को, ठीक है, यह पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, इसमें दोनों पैरेलली कनेक्ट है और हम इस विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोनों में, इसमें जो हमारा जब हम सीरीज में सेलों को जोड़ते हैं तो इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो घट बढ़ जाता है,
ठीक है, वोल्टेज बढ़ जाता है और धारा कम हो जाती है। अगर हमें वोल्टेज ज्यादा जरूरत है तो हम सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है, और अगर हमें वोल्टेज की कम जरूरत है तो हम उसको पैरेलल में जोड़ देंगे। मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज हमारा 2.2 मान लीजिए 2.2 वोल्ट है, और अगर हमने तीन सेलों को जोड़ दिया है सीरीज में, तो 2 × 4 = 6.6 वोल्ट इसका ईएमएफ हो जाएगा। और अगर आप इसी सेल को पैरेलली कनेक्ट कर देते हो तो 2.2 ठीक है ही इसका पैरेलल में वोल्टेज हो जाएगा। बस इसमें अंतर ये हो जाएगा कि इसमें जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट अपने आप इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, और इसमें जब पैरेलल आप कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज आपका सेम वही रहेगा, जो कि एक सेल का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा और करंट आप उससे ज्यादा ले सकते हो। तो यह दोनों में अंतर हो जाएगा, सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। अगला है मिश्रित क्रम, इसमें क्या फॉर्मूला है, यह जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें जो है कुल विद्युत धारा का फॉर्मूला है INME/NR+M×R। ईएमएफ का ET=N×E और आंतरिक प्रतिरोध का RT=NR/M, ठीक है। तो ये हो गए फॉर्मूला। अब इसको अगर हम मिश्रित क्रम में यदि हम सेलों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें सेल को सीरीज में जोड़ना है, ठीक है, ये दो सेलों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद हम अब ये देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये दो सेलों को हमने सीरीज में जोड़ दिया और इन दोनों सेलों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये दोस्तों सीरीज और पैरेलल दोनों है एक ही सर्किट में, इसलिए हम इसको मिश्रित क्रम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मिश्रित क्रम, इसका ये फार्मूला। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नमस्कार दोस्तों।